हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, तो लास्ट वीडियो में हम वहाँ के यूकास जे बारे में बुधाया उनकी हॉस्टल वगैरह देखा रही। यूकास जिका यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस जिका बीजिंग में है, वहाँ के बुधाया हुआ। तो मुझे एक दोस्त आए जो उनमें PhD पैदा करे, उन की स्कॉलरशिप वरती यूकास में, उनकी स्टिपिंग स्कॉलरशिप केतरी आई, स्कॉलरशिप वो प्रोसेस कड़ो आ, उन सजो एक वीडियो में डिफाइन किया, उनके इंट्रोडक्शन दिनों थी। मे बी और सोचो वो अवां के भी हेल्पफुल थे, उन दोस्त का वो वीडियो वरती और सोचो तो अवां शेयर कर अजा। अचो तो उन दोस्त जो इंट्रोडक्शन बुदों था, दिसों था उन की स्कॉलरशिप वरती, जिमें नेक्स्ट तुम भी उन प्रोसेस के फॉलो कर या स्कॉलरशिप वी सको। छो तो यूका जहाँ है चाइना में वे में वही स्कॉलरशिप है, जैसी स्टिपेंड तकरीबन 7 खां 8 हज़ार यान पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, सिर्फ PhD वाले होंगी। सो अचो दिसों उन वीडियो के जो दोस्त डी आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सन सलामत सा सलामत। जी तो अज जो मौजू है असो चाइना में स्कॉलरशिप हासिल करने के सिलसिले में, चाइना की स्कॉलरशिप जिनमें असो मखसूस मौजू रख वो है CASTWAS स्कॉलरशिप। CASTWAS स्कॉलरशिप जी तो काफ़ी दोस्तों के खबर ना है, असि सिंधी दोस्तों के जी तो मोस्टली अस दोस्त CSE स्कॉलरशिप से फोकस आन या प्रोविंशनल स्कॉलरशिप से या यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप से फोकस आन, तो उन्होंने इल्म में इजाफो करते कोशिश क्या पे तो उन्होंने CASTWAS स्कॉलरशिप के लिए भी उन्होंने रहनुमाई कर ताकि ओडे भी घड़े का घड़ो दोस्त मुतवजे थन। सभी का पैर CASTWAS स्कॉलरशिप बुधाने का जी रिक्वायरमेंट्स आन उन रिक्वायरमेंट्स कुछ इन तरह आन, तो CASTWAS स्कॉलरशिप जी तो चाइना की हाइएस्ट फंडिंग स्कॉलरशिप है, यो बुधाई हल असनी का पैर यह खबर होजे तो जी CSE स्कॉलरशिप की वही या यूनिवर्सिटी या प्रोविंशनल स्कॉलरशिप उन सभी का हाइएस्ट फंडिंग जी चाइना में नंबर वन स्कॉलरशिप है फंडिंग के लिहाज का वह है CASTWAS। CASTWAS बेसिकली आ CASTWAS है कास चूँ अस चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस के TWAS चूँ अस द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस के। हाँ CASTWAS बई मिली करे फंडिंग कन्दून हर साल जी CSE स्कॉलरशिप फंडिंग कन्दी है, CASTWAS फंडिंग कन्दी है जो स्टूडेंट्स के घणे स्टूडेंट्स के फंडिंग दी है। हर साल 200 स्टूडेंट्स इन वैकेंसी होंदी है, 200 स्टूडेंट्स अप्लाई कर जो रिक्वायरमेंट्स वो मिनिमम एज 35 ईयर हो में कॉम्पिटिशन सुठो हों में एज फैक्टर भी माना रखे तो 25 साल उम्र न होजन खे ये सिर्फ और सिर्फ PhD वालों के दिनी वी फंडिंग जी दिनी वी है 7,000 खां 8,000 युआन तीन आर युआन चूँ या RMB तो 7,000 या 8,000 इनकर पे साल जो फंडिंग वह 7,000 पर मंथ थी आफ्टर 1 ईयर 8,000 क्वालिफिकेशन नो एग्जाम वा CASTWAS वाले जैसे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जजमेंट कई वी 8,000 महाना दीना जो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 1.5 लाख प्लस था। सो तमाम बेहतरीन स्कॉलरशिप है। हाँ इन में 200 सीटू आन उनमें 200 सीटू वो डिवाइड थियल बिन यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस जी असं UCAS था चूँ, बी आ USTC यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी चाहूँ। हाँ UCAS जो है तमाम पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, दोस्तों की काफ़ी ने खबर होंगी चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस जो बारे में, तो तमाम बेहतरीन इदारो है UCAS के अंदर 110 रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदा डिफरेंट फील्ड्स जहाँ जैसे चाइना की डेवलपमेंट में घो असरअंदाज दिखार है उन्हें जैसे का चाइना आज़ाद थो है तो उन्होंने पाँच बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट जिते बेहतरीन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स वर्क कन पाया उ सब UCAS के अंडर इंदा तो UCAS जो 120 सीटू आन सॉरी 140 सीटू आन UCAS जो 60 सीटू आन USTC जी अस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना का चाहूँ। USTC खफे प्रोविंस में है वह दुनिया की इन टॉप 100 यूनिवर्सिटी में इंदी है, तो उनकी भी लैब और यूनिवर्सिटी रैंकिंग तमाम बेहतरीन है। जैसे तो चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस रिसर्च के लिहाज का इन वक्त पूरी दुनिया में नंबर वन इंस्टीट्यूट है, जैसे दोस्तों की नेचर इंडेक्स की खबर होंगी, नेचर इंडेक्स में हाइएस्ट नेचर इंडेक्स वो जनरल थी वो नेचर ही है, तो उनमें इन वक्त चाइना की जो यूनिवर्सिटी है चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस वह नंबर वन से है, बे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जैसे तुम कंपेयर कर हार्वर्ड के चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस के तो माना 50% का मथे जो स्कोर में डिफरेंट आ।
तमाम बेहतरीन इदारो आहे रिसर्च जे लिहाज़ खां ऐं तालीम जे लिहाज़ खां। अच्छा हाणे असांखे इंस्टीट्यूट जी ख़बर पइजी वई, लिमिटेशन सां ख़बर पइजी वई त 35 साल उमिरि रिक्वायर्ड आहे ऐं एप्लीकेशन फीस लाइ रिक्वायर्ड न हूंदी आहे। हाणे असां अचूं था प्रोसेस छा आहे हिन जो। प्रोसेस सिंपल ई आहे। प्रोसेस में सभिनी खां पहिरियां असांखे सी एस ई वांगुरु हिन जो प्रोसेस न आहे, थोरो चेंज आहे पर आहे तमामु सी एस ई खां आसान प्रोसेस आहे ऐं ॾाढो माना ऑथेंटिक प्रोसेस आहे। उहो ऑथेंटिक इन करे था चऊं जो वंस तव्हांखे जेकॾहिं प्रोफेसर एक्सेप्ट थो करे त तव्हां ऑलमोस्ट इन हूंदा आहियो स्कॉलरशिप में, ऑलमोस्ट इन हूंदा आहियो। रेयर केसिस में हूंदो आहे त प्रोफेसर एक्सेप्ट करे कैस्टवास लाइ ऐं तव्हां रहिजी वञो। त हाणे सभिनी खां पहिरियां तव्हांखे प्रोफेसर सां कॉन्टेक्ट करणो हूंदो आहे सेप्टेंबर ऐं डिसंबर जे विच में। तव्हांखे प्रोफेसर पंहिंजे इंस्टीट्यूट जो ॻोल्हणो पवंदो। USTC जेके 60 सीटूं आहिनि हुते बि तव्हांखे पंहिंजे लैब्स में ॾिसी करे प्रोफेसर रिसर्च एरिया में तव्हांखे ॻोल्हणो पवंदो। ऐं अहिड़े तरीक़े सां यूकास जे अंदरि जेके 110 रिसर्च इंस्टीट्यूट था थियनि उन्हनि इंस्टीट्यूट खे बि एक्सप्लोर करणो पवंदो त तव्हांजा इंस्टीट्यूट तव्हांजी फील्ड सां कहिड़ा रिलेट था कनि। लेट सपोज़ तव्हां सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था कयो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग था कयो या तव्हांजी जेका बैकग्राउंड आहे जेको आहे कंहिं बि फील्ड सां आहे, फिज़िक्स सां आहे, केमिस्ट्री सां आहे, त उन सां रिलेटेड तव्हांखे इलाही इंस्टीट्यूट मिली वेंदा। एटलीस्ट मुंहिंजे ख़्याल में घटि हर फील्ड जा 5 इंस्टीट्यूट आहिनि। तव्हां हुन 5 इंस्टीट्यूट ते अप्रोच कयो प्रोफेसर सां ईमेल जे थ्रू ऐं सुठी सी वी लिखी करे ऐं हिकिड़ो सुठो प्रपोज़ल लिखी करे हुन फील्ड सां रिलेटेड उन ते अप्रोच कयो, प्रोफेसर सां कॉन्टेक्ट कयो। जॾहिं प्रोफेसर तव्हांखे एक्सेप्ट कंदो त तव्हांजो इंटरव्यू बि थींदो आहे, कॾहिं इंटरव्यू न बि थींदो आहे, पर 80% इंटरव्यू थींदो आहे कैस्टवास स्कॉलरशिप लाइ। अच्छा हिन 110 इंस्टीट्यूट में का कोटा सिस्टम न आहे को, जंहिंजो प्रोफाइल सुठो हूंदो आहे पोइ इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट थींदो आहे। ईअं न आहे त हर इंस्टीट्यूट खे 5 कोटा आहे या 2 कोटा आहे, ईअं न आहे। कंहिं इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट सिलेक्ट बि न थींदा आहिनि, कंहिं इंस्टीट्यूट में 5 बि थींदा आहिनि, कंहिं इंस्टीट्यूट में 10 बि थींदा आहिनि, कंहिं में 20 बि थींदा आहिनि। सो डिपेंड थो करे सॼी तव्हांजी परफॉर्मेंस ऐं प्रोफाइल ते बि ऐं उन खां अलावा प्रोफेसर ते बि। सो तव्हांजो जेको हथ में आहे प्रोफेसर सां कॉन्टेक्ट कयो, प्रोफेसर सां कॉन्टेक्ट कंदो ईमेल ऐं जेको मां ॿुधायां तव्हांखे सी वी जे थ्रू ऐं प्रपोज़ल जे थ्रू। पोइ कॉन्टेक्ट जीअं कंदो प्रोफेसर, वंस तव्हांखे एक्सेप्ट कयो त पोइ तव्हांजो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू थींदो जनवरी खां मार्च जे विच में। तव्हां एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन जीअं शुरू थींदो तव्हां ऑनलाइन फॉर्म भरींदा आहियो, ठीकु आहे। ऑनलाइन फॉर्म भरे करे तव्हां उनखे फिनिश कंदा आहियो। ऑनलाइन फॉर्म ॿ थींदा आहिनि, हिकिड़ो तव्हां कैस्टवास फेलोशिप जो ऑनलाइन फॉर्म भरींदा आहियो, ॿियो हुन यूनिवर्सिटी जो जंहिंमें तव्हांखे प्रोफेसर एक्सेप्ट कयो आहे। यूनिवर्सिटियूं ॿ आहिनि, या त तव्हां USTC जो ऑनलाइन फॉर्म भरींदव या त तव्हां यूकास जो ऑनलाइन फॉर्म भरींदव। त ॿई यूनिवर्सिटी मां हिकिड़ी यूनिवर्सिटी मां फॉर्म भरिबो ऑनलाइन ऐं ॿियो फेलोशिप जो फॉर्म भरिबो, इहे ॿ ऑनलाइन फॉर्म भरिबा। अच्छा तव्हां इहे ॿ ऑनलाइन जीअं फॉर्म भरे छॾिया हुन खां पोइ तव्हां प्रोफेसर ॾे ऑटोमेटिक सिस्टम मां लिंक फॉरवर्ड थींदी आहे कैस्टवास फेलोशिप जी, जेको तव्हां फॉर्म भरींदो ऑनलाइन त उहो प्रोफेसर वटि अॻिते उहो हुनखे प्रोसेस कंदो आहे। सो वरी प्रोसेस बि प्रोफेसर हुनखे प्रोसेस कंदो, उन खां बाद में तव्हांजी एप्लीकेशन सबमिट थींदी। उन खां अलावा जेके प्रोफेसर सुपरवाइज़र जा जेके रिकमेंडेशन तव्हां वठंदव, जेके तव्हां प्रीवियस सुपरवाइज़र आहिनि यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में, उन्हनि खां सुपरवाइज़रनि खां तव्हां ओरिजिनल रिकमेंडेशन वठी तव्हां पोस्ट कंदव जंहिं यूनिवर्सिटी में तव्हां अप्लाई था कयो, या त यूकास में या त USTC में एड्रेस ते तव्हां पोस्ट बि कंदव, ईमेल बि कंदव, पोस्ट बि कंदव। इहो थियो एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस तव्हां जेके सम्झी विया आहियो त हाणे उन खां बाद में तव्हांखे स्कॉलरशिप जी ख़बर पइजी वई। उमेदु आहे त तव्हांखे जेकॾहिं हिन सां रिगार्डिंग को क्वेश्चन हूंदो त तव्हां पुट कंदो ग्रुप में। बाक़ी मां अवेलेबल आहियां, मां हिन वक़्तु चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस में हिन साल सिलेक्ट थियो आहियां कैस्टवास स्कॉलरशिप ते, ऐं ॾाढो अफ़सोस सां चवणो थो पवे त हिते जेको आहे कैस्टवास ते जेके 140 स्टूडेंट जी बैच आई आहे पूरी, हुन मां हिकिड़ो अकेलो सिंधी आहियां। सो ॿिया जेके दोस्त आहिनि टोटल हिते 5 असां पूरी बैच में आया आहियूं, पर कैस्टवास फेलोशिप जी 140 लिस्ट में मां अकेलो आहियां। बाकी ॿिया डिफरेंट स्कॉलरशिप ते आहियां, छो हिन यूकास में ॿियूं बि स्कॉलरशिप्स आहिनि, इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप आहे ऐं हुन खां अलावा तव्हांजी CSE स्कॉलरशिप आहे, ठीकु आहे। त इहे वन बेल्ट वन रोड स्कॉलरशिप मास्टर्स वारनि लाइ आहे, त सिर्फ़ु PhD लाइ 3 स्कॉलरशिप, इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप आहे ऐं कैस्टवास स्कॉलरशिप ऐं CSE स्कॉलरशिप आहे। पर कैस्टवास खे टारगेट कयो, हिन सेशन करण जो मक़सदु इहो आहे त कैस्टवास खे टारगेट कयो। ऐं तमामु सवलो प्रोसेस आहे जीअं मां तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां, ओनली PhD वारनि लाइ स्पेशली सेशन आहे, PhD वारा कैस्टवास लाइ अप्लाई करे सघंदा, ठीकु आहे। बसि तव्हांखे हिन सां रिगार्डिंग जेकॾहिं को क्वेश्चन हुजे या प्रॉब्लम हुजे त मोस्ट वेलकम, मुंहिंजो कॉन्टेक्ट मां तव्हां पंहिंजे ग्रुप में शो करे थो छॾियां, मूंसां राबितो कयो। बाक़ी प्रोसेस जे लिहाज़ खां तव्हां हिन वीडियो खे बार बार ॾिसो ऐं सम्झण जी कोशिशि कयो। इन खां अलावा जेकॾहिं का प्रॉब्लम क्यूरी हुजे त मोस्ट वेलकम, मां तव्हां सां अवेलेबल वेठो आहियां। ठीकु आहे दादा, अलाह हाफ़िज़, वॾी महिरबानी।